बाजार के प्रबंधक आरती कुमार पांडे ने विद्यालय के हटने को लेकर शिक्षा भवन कार्यालय के समक्ष में भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें से अपनी टीम तीनों मांगों को लेकर प्रबंधक आरती कुमार ने पांडे ने ये भूख हड़ताल शिक्षा भवन कार्यालय के आयोजित किया गया है, जहाँ पर आरती कुमार पांडे ने भी कहा है कि हमारी ये मांगे कि हमारी तीनों मांगों को पूरा किया जाए, चुनाव फिर से करवाया जाए और जानिए मुनिया में उच्च न्यायालय के भी खंडपीठ के लखनऊ के डबल जज भी विषय अपील की गई है, जहाँ तक कि प्रबंधक समिति के निपचारण का आदेश प्रेरित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश की शिक्षा विभाग के अधिकारियों नहीं मान रहे हैं। आपको बताते चले कि माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आज आरती कुमार पांडे ने के पूरा परिवार दर्द बड़े भटकने के लिए भी मजबूर हो गया है, रैपिड टीपीओ के भी शुद्ध ले रहे हैं। न्यायालय को हड़प लिया गया है, अविधि ढंग से कमेटी को भंग किया गया बिना मुझे सुने हुए। न्यायालय से स्थगन आदेश हुआ, मेरे बच्चे को डीआर की मिली भगत से भेजा गया, डबल बेंच से ऑर्डर हुआ कि 10 फरवरी तक चुनाव कराइए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने सूची भी दे दिया, ज्वाइंट डायरेक्टर ने आदेश भी कर दिया, शासन ने भी आदेश किया है, डीआर मौखिक रूप से प्राथमिक नियंत्रक को रोक रखे हैं कि विद्यालय चुनाव न हो, और कहते फिरते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा आरडी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। ऐसे मैंने न्यायालय का आदेश दिया, मैं न्यायालय वाले आदेश का पालन नहीं करूंगा, जो करना हो करना। कल मुझे धमकी भी दिया, आज मुझे भी धमकी दिए कि मैं न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करूंगा, जो करना हो करूँ। और जबकि रिट डिस्पोज आप हो गई है और बहाना बनाते हैं, मैंने काउंटर लगाई है और बहाना बनाते हैं, और जबकि रिट डिस्पोज आप है, अंतिम रूप से निर्णय हो गया चुनाव कराने के लिए। डबल बेंच का ऑर्डर है, मुख्य न्यायाधीश का सीजे का ऑर्डर है, और शासन ने आदेश का पालन किया है, जेडी भी आदेश का पालन करेंगे, डीआर साहब सबसे ऊपर है। और उसके बाद दूसरी बिंदु है, हमारे जो प्राथमिक नेता अजय पाल सिंह बनाए गए थे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, शिक्षक संघ ने शिकायत किया 9 बिंदुओं की, जेडी ने लिखा जांच करने के लिए, लेकिन चूंकि डीआर और प्राथमिक नियंत्रक की मिली भगत थी पैसे खाने का, इसलिए उसकी कोई जांच नहीं किया। मेरे विपक्षी राम सूरत पांडे के विरुद्ध 2013 में ज्वाइंट डायरेक्टर ने लिखा कि यह पदनाम को दुरुपयोग कर रहे हैं, अध्यक्ष प्रबंधक लिख रहे हैं, जब अत्री पांडे ही अध्यक्ष प्रबंधक है, ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध संगत धारा उत्तर वैधानिक कार्यवाही की जाए। विद्यालय शिष्टागण सोहल तहसील के सामने ये तीन मेरी मांगे हैं, और आदेश जेडी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए मैं कह रहा हूँ। कब तक आप तीनों जेडी के आदेश का अनुपालन नहीं हो जाएगा, जेडी के आदेश का अनुपालन, संयुक्त शिक्षा निदेशक का आदेश का अनुपालन हो जाए, मैं उठ जाऊंगा तीनों बिंदुओं पर। संयुक्त शिक्षा निदेशक का आश्वासन कुछ मिला, अरे और विरोध कर रहे हैं, आश्वासन देने की पूरा धमकी दे रहे हैं, उठा देंगे, भगवा देंगे, मरवा देंगे, इसकी धमकी दे रहे हैं डीआर साहब, मेरे भी बच्चों से मिलकर के ये सब चल रहा है। आज भी यही सुबह किए थे, प्रशासन को बुलाए थे, इनका हटवा दिए, हमने हाईकोर्ट का ऑर्डर कर दिया, हमने कहा हटा दिए, भेज दीजिए जेल, न्यायालय में जाकर दिखाएंगे डबल बेंच का ऑर्डर है, नहीं चुनाव करा रहे हैं प्रशासन, तब ठंडे हो प्रशासन। क्या नाम है? अत्रि कुमार पांडे, अत्रि कुमार पंद्रह आरडी का कार्य संचालन, अध्यक्ष रूरल डेवलपमेंट और नकल मात्र संस्था, मैं अध्यक्ष भी हूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को